अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तान शेख और वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पे। ये है मॉस प्लांट जो कि सर्दियों में सर्वाइव नहीं कर पाता, जल जाता है, पर थोड़ा थोड़ा मेरे पास उग रहा है क्योंकि यहाँ डायरेक्ट सनलाइट आती है और तकरीबन 6-7 घंटे की यहाँ धूप रहती है। इस वजह से ये थोड़े थोड़े से बचे हुए हैं। तो अब जैसे ही मार्च अप्रैल का जब महीना शुरू होगा तो ये दोबारा से उनकी नई ब्रांचेस से निकलना शुरू हो जाएंगी, दोबारा से ये उगना शुरू हो जाएगा। ये बेल की सूरत में उगता है, जैसे उगते ही नीचे से नीचे तक लटक जाता है, काफ़ी फैल जाता है। जैसे ये लटका हुआ है लेकिन जल गया है बेचारा, जैसे ये है ये भी जल गया है नीचे ही लटके हुए। तो इसमें फूल भी काफ़ी अच्छे आते हैं, जैसे गुलाब के फूल होते हैं इस टाइप के, इसमें छोटे छोटे से फूल लगते हैं इसमें और काफ़ी खूबसूरत होते हैं। इसके इसमें मल्टी कलर भी होता है और रंग बिरंगे कलर भी होते हैं और बहुत सारे वैरायटीज में भी मिल जाते हैं। सर्दी में सर्वाइव नहीं कर पाता, ये गर्मियों का पौधा है, आप भी लगाएं पौधा, ये बहुत अच्छा पौधा है, नर्सरी में आसानी से मिल जाता है। तो जैसे ही मार्च अप्रैल का महीना शुरू हो जाएगा तो इसकी दोबारा ब्रांची से निकलना शुरू हो जाएंगी, काफ़ी घना हो जाएगा ये। तो अगर इसके हम पानी देने की बात करें तो इसको पानी ज़्यादा नहीं देना चाहिए क्योंकि ज़्यादा पानी रहेगा इसके अंदर ठहरा रहेगा तो इसमें ग्रीनरी बन जाएगी ऊपर लेयर सी। तो पानी जब ज़्यादा ठहरा रहेगा तो इसकी रूट्स गलने का भी खर्चा रहता है, तो इसकी रूट्स गल जाएंगी और पौधा बहुत जल्दी मर जाएगा। फिर मैं इसको दोबारा नए सिरे से लगाऊंगा तो वो वीडियो आपको दिखाऊंगा जब मार्च का महीना शुरू होगा। जब मार्च का महीना शुरू होगा तो मैं इसकी दोबारा कटिंग्स लगाऊंगा, नए सिरे से इसकी कटिंग्स लगाऊंगा, तो वो वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा ज़रूर, आप ज़रूर देखेगा। इसमें शायद जामनी कलर के निकलते हैं और इसमें भी शायद जामनी ही है और इसमें शायद मल्टी हैं, इसमें वाइट हैं और इन दोनों में भी मल्टी हैं। तो बस यही आज का टॉपिक था, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।